इंडियन मानसून हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। मानसून हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमारे लिए मानसून के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही सिर्फ हमारे एग्ज़ाम सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कई जगहों पे ये काम आता है। और ये मानसून हमारे ज़िंदगी का एक अलग अंग है, एक खासा रिश्ता है हमारा मानसून के साथ। इसीलिए वी शुड ऑल नो अबाउट मानसून एंड हाउ व्हाट वाज इट्स स्टेटस बिफोर एंड प्रेजेंट। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, आई एम सौम्य श्रीवास्तव हेयर एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन मानसून। मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है, हम इंडियन मानसून के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये थोड़ा सा साइंटिफिक आर्टिकल है, बट अगर आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे तो ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट स्टेट एग्जाम, एसएससी और किसी भी इंटरव्यू एक्सेट्रा के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को, सो दैट एवरी वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बी अ पार्ट ऑफ द होल एंड कैन इंक्रीज देयर नॉलेज। तो अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो, इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोडवाना एंड टुक अलॉन्गवर्ड नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ 9,000 किलोमीटर्स टू ज्वाइन यूरेशिया। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले जब अर्थ बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो बेसिकली 180 मिलियन ईयर्स अगो से भी पहले, तो अर्थ पे दो कॉन्टिनेंट होते थे, ठीक है। तो एक नॉर्थ कॉन्टिनेंट था लॉरेशिया और जो सदर्न कॉन्टिनेंट था वो था गोडवाना, ठीक है। दो पार्ट में अर्थ डिवाइडेड था। जो भी सारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे लॉरेशिया में आते थे, वेरैज जो भी कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फेयर के हैं वो गोडवाना में आते थे। इंडिया पार्ट था गोडवाना लैंड का एंड लेटर ऑन इट गॉट सेपरेटेड 180 मिलियन ईयर्स अगो। इंडिया जो कि गोडवाना लैंड का पार्ट था, 180 मिलियन ईयर अगो वो सेपरेट कर गया फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोडवाना। गोडवाना में उस टाइम साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड और ये सारे जो जितने कंट्रीज छोटे छोटे इंडोनेशिया के दिख रहे हैं ये सब कुछ थे। तो इंडोनेशिया बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू डेवलप हुआ, ये सारे मिलके गोडवाना लैंड बनाते थे। अब आज भी अगर आप जानोगे गोडवाना लैंड का नाम कहाँ से पड़ा, तो एक गोंड ट्राइब है तो गोंड ट्राइब के नाम से गोडवाना लैंड का नाम पड़ा है, अगर आप ये इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। सो इट टुक अ लॉन्ग नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ 9,000 किलोमीटर्स टू ज्वाइन यूरेशिया। तो इंडिया जब स्प्लिट हुआ था गोडवाना लैंड से, अगर आप ये वाला मैप देख पा रहे हो तो, कि इंडिया एक्चुअली गॉट स्प्लिटेड फ्रॉम द गोडवाना लैंड और इट स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। तो ये इंडिया गोडवाना लैंड का पार्ट था और इसने अपना नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट किया वेर इट मेट यूरेशियन प्लेट। जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से मिला तो देयर वॉज राइज ऑफ हिमालयस, ये तो हम जानते हैं। एंड देन टुडे एज वी सी इन द प्रेजेंट डे, तो ये हिमालय माउंटेन्स यहाँ कहीं पे पामिर नॉर्थ से लेके ऐसे करके पूरा ये हिमालय का स्ट्रेच है, ठीक है। इधर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो ये तो होगी स्टोरी हमारी प्लेट टेक्टोनिक की, लेकिन यहाँ पे असर क्या है, हमारा मेन बेसिक इंटरेस्ट क्या है मानसून पे बात करने का। तो दिस सब कॉन्टिनेंट मूव फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर एंड क्रॉस द इक्वेटर टू रीच टू इट्स करेंट पोजिशन। तो इंडिया एकमात्र ऐसा जो सब कॉन्टिनेंट था जो कि सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आया। ड्यू टू द चेंजिंग लैटिट्यूड इज एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अ न्यू स्टडी हैज़ नाउ ट्राई टू मैप दिस वेरिएशन यूजिंग लीफ फॉसिल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि अगर आप ये देखोगे जो इंडिया है वो मूव कर रहा है कहाँ, सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो ऑफकोर्स जब ये मूवमेंट हो रहा था तो ये इसने काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स क्रॉस किए एंड ड्यू टू दिस चेंज इन नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो भी चेंज किया और विथ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस दी टाइप ऑफ फॉसिल्स, टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड। फिर जब वो एनिमल्स जो वहाँ पे डिकम्पोज हुए, डेथ हुई उनकी, वो फॉसिलाइजेशन हुआ उनका, उस प्रोसेस में हम डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल फाइंड करते हैं जो कि अ वराइटी ऑफ रेंज ऑफ क्लाइमेट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इंडिया एकमात्र ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जिसकी मूवमेंट सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ हुई। मतलब आप समझ सकते हो विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, जिस तरह से साइक्लोन्स आते होंगे उस टाइम वो चेंज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई इंडिया में, जिसके चलते द फॉसिल स्टडी ऑफ इंडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड द क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। अब ये रिसर्च इंडिया में ही किया गया है। अंडर दिस रिसर्च अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हैज़ बीन फाउंड दैट इंडिया का जो मानसून उस टाइम था वो अभी प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन मानसून को रिजेंबल करता है, ठीक है। मानसून एक टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें सीजनल रेनफॉल होती है ड्यू टू विंड्स, ठीक है। तो सीजनल विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है एंड आफ्टर द चेंज ऑफ सीजनल विंड डायरेक्शन रेनफॉल स्टार्ट होती है। इंडिया में मानसून जुलाई से लेके अक्टूबर तक रहता है, आफ्टर अक्टूबर मानसून विंड्स लीव इंडिया कंप्लीटली, रिट्रीट कर जाते हैं और फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो वो डिफरेंट है, वो तमिलनाडु में जनवरी में आता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये भी बात याद रखना। अच्छा, तो ये जो मानसून विंड्स हैं ये बेसिकली वर्ड आया है मौसम से जो कि एक अरेबियन वर्ड है। तो ये तो सब कॉन्सेप्ट हो गया मानसून का। अब इस रिसर्च ने क्या फाइंड आउट किया है, द
The team analyzed the morphological characters of the fossil collected in Deccan volcanic provinces. तो कहाँ पे ये collect किया गया? Deccan volcanic provinces, East Garo Hills of Meghalaya, Ghura Mines in Rajasthan and Makkum Coalfields in Assam. ठीक है, तो ये जो सारे regions हैं, इनसे leaves के fossils को collect किया गया. Generally जो coal field होते हैं, because coal is a sedimentary rock, वहाँ पे आपको fossils मिल जाते हैं. ठीक है, तो जहाँ भी sedimentary rock का होगा, वहाँ पे आपको फॉसिल्स जनरली मिल जाएंगे. तो ये सारे जगहों पे फॉसिल कलेक्ट किया गया और उन्हें एनालाइज किया गया. द फोर फॉसिल असेंबलेजेस वेयर फाउंड टू बी डिफरेंट जियोलॉजिकल एज एंड हेल्प टू स्टडी क्लाइमेट ड्यूरिंग 65, 57, 54 एंड 25 मिलियन ईयर्स को. तो ये जो चारों जगह से फॉसिल कलेक्ट किया गया, ये डिफरेंट एजेस के थे. कुछ 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड थे, कुछ 57 मिलियन ईयर ओल्ड थे, कुछ 54 और कुछ 25 मिलियन ईयर ओल्ड थे. ठीक है, अब इन फॉसिल्स को जब आप ट्रीज के प्लांट्स के फॉसिल्स को देखोगे, तो इनका जो एडेप्टेशन का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे. जैसे कि आप कहीं कहीं जाओगे तो आपको ब्रॉड लीफ प्लांट्स मिलेंगे, कहीं कहीं पे बहुत उतने ब्रॉड प्लांट्स नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं पे वैक्सिंग कोटिंग होती है लीफ पे, तो उसी हिसाब से उसका फॉसिल जनरेट होता है. तो ये बात आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी जान चुके हो कि जो भी प्लांट का जो भी मॉर्फोलॉजिकल, इनफैक्ट एनिमल ह्यूमंस में आप देख लो, जो भी मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं. तो इन लोगों ने लीव्स के जो फॉसिल में उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को समझा, और वो जो फॉसिल्स थे वो 65, 57, 54 और 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड थे. इन सारे फॉसिल्स के स्ट्रक्चर को समझ के तब इन्होंने इस कंक्लूजन पे आया कि द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट द फॉसिल रीफ्स फ्रॉम इंडिया वर अडैप्टेड टू एन ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ मॉनसून एंड नॉट द करंट इंडियन मॉनसून सिस्टम ड्यूरिंग इट्स वॉयज. मतलब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूव कर रहा था, इंडिया में किस टाइप की क्लाइमेट होती थी, अभी जो ऑस्ट्रेलियन प्रेजेंट मॉनसून है, जैसे वहाँ पे लीव्स के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मिलते हैं, इन फॉसिल लीव्स में वही मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मिले हैं, ना कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो अभी प्रेजेंटली इंडिया में इंडियन मॉनसून के क्लाइमेट के चलते जो भी ट्रीज में होते हैं वो मिले हैं. ठीक है, सो देयरफॉर जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये फाइंड किया कि बिकॉज दे वर एबल टू फाइंड कि हाँ ये सेम स्ट्रक्चर है प्लांट के मॉर्फोलॉजी का, तो ये आपके फॉसिल स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फॉसिल स्टडी का क्या रोल होता है. तो फॉसिल स्टडी से आप क्लाइमेट भी बता सकते हैं कहीं का, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स एग्जाम में आ सकता है. तो ये जो ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, इन्होंने फॉसिल लीव्स के फॉसिल्स को स्टडी किया और उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन लीफ में, जो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रीज मिलते हैं उनके जो लीफ है उनसे मैच किया. दस दे केम टू अ कंक्लूजन दैट कि हाँ यहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट हुआ करता था, ना कि जो प्रेजेंट इंडियन मॉनसून सिस्टम है वो. द रिकंस्ट्रक्टेड टेम्परेचर डेटा शो दैट द क्लाइमेट वॉज वार्म ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल. मतलब उस समय 25 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया का क्लाइमेट कैसा था? वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल. ऑल द स्टडीड फॉसिल साइट्स विद अ टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 16.3 टू 21.3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से जो कि जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज रहता है, उससे काफी ज्यादा कम था, 16.3 टू 21.3 डिग्री सेल्सियस था. ऑल फॉसिल साइट्स एक्सपीरियंस्ड हाई रेनफॉल. मतलब उस टाइम काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती थी. ये भी एक रीजन है कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीट एंड लिग्नाइट कोल इन इंडिया. क्यों? बिकॉज हैवी रेनफॉल के चलते बायोमास ज्यादा क्रिएट होता था, और जो उसका फॉसिलाइजेशन हुआ या फॉर्मेशन ऑफ जिसको कोलिफिकेशन कहते हैं वो हुआ, तो वो काफी ज्यादा मतलब अच्छा कंटेंट में हुआ. बिकॉज हाई रेनफॉल मतलब हाई बायोमास, हाई नंबर ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, तो इसीलिए हमारे जो फॉसिल हैं जैसे कोल हो गया या इस तरह का हो गया, वो ज़्यादा है. विच वेरीड फ्रॉम 191.6 टू 232. तो ये लगभग आप समझ लो जैसा वेस्टर्न घाट्स में या फिर मेघालय में जैसी बारिश होती है. अभी जैसे नॉर्मल अगर आप बिहार में जाओगे तो बिहार का एवरेज रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 से 120. दिल्ली वगैरह में तो और कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, 100 तक आ जाता है, 100 के नीचे भी चला जाता है. तो दैट टाइम द एवरेज रेनफॉल रेंज बिटवीन 191.6 टू 232 सेंटीमीटर. तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल होती थी. ठीक है, तो ये जो सारा कैरेक्टरिस्टिक है ये उस टाइम के अभी के ऑस्ट्रेलियन मानसून टाइप का है जो कि उस टाइम फाइंड किया गया. ठीक है, India was the only subcontinent to have crossed from southern hemisphere to northern hemisphere. It is a laboratory to study biogenic changes and understand how flora and fauna changed accordingly. India एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो southern hemisphere से northern hemisphere में आया. हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, southern hemisphere और northern hemisphere. जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है, तो इंडिया इसको इंडिया ने इसे क्रॉस किया एंड देयरफॉर ये एक बहुत बड़ा बायोजियो चेंजेस का, जैसे कि जो भी बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसकी एक लेबोरेटरी मतलब एक प्लेस टू स्टडी बन जाता है. हाउ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा इज प्लांट्स एंड फौना इज एनिमल्स, चेंज्ड अकॉर्डिंगली.
Understanding the past dynamics of Indian monsoon will also help to change will also help in climate modeling for future monsoon prediction. और अगर हम अपने past monsoon के predictions को अच्छे से समझें तो हम अपने future monsoon के prediction को भी अच्छे से समझ सकते हैं. तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ चार चीज़ important है. पहला तो सबसे important चीज़ है कि जो Indian monsoon है वो 25 million years ago resembled the present day Australian monsoon. ठीक है. अच्छा, India कब separate हुआ? 180 million years ago India separate हुआ, and after it got separated it started moving towards Eurasia. Eurasia में उसने जब strike किया तो Himalay mountains का formation हुआ. The subcontinent moved from southern hemisphere and crossed the equator to reach its current position. ये जो movement था southern hemisphere से another hemisphere का, ये India को एक bio-geo changes का lab बना दे है, बिकॉज इतना ज्यादा चेंज किसी भी सबकॉन्टिनेंट में नहीं देखा गया है. साइंटिस्ट ने इसको कैसे स्टडी किया? सो दे स्टडीड लीफ फॉसिल. लीफ फॉसिल्स का क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो लीफ के फॉसिल्स थे उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था वो डिपेंड करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट से. ठीक है. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? They studied this from four places: Deccan Volcanic Province, East Garo Hills, Meghalaya, Gura Mines in Rajasthan, and Makum Coal Fields in Assam. ठीक है, ये चार ages के fossil थे 65, 57, 54 and 25 million years ago respectively. और इसके बाद इन्होंने ये find out किया कि India का जो उस time average temperature था वो 16.3 से 21.3 degree Celsius था. Rainfall काफ़ी ज़्यादा high थी, 190 to 230 centimeters थी, and also the climate was warm tropical to subtropical. तो इसीलिए biomass या प्लांट वेजिटेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी इंडिया में, और उसके अलावा जो एनिमल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे. ठीक है. ये सारा कैरेक्टर किससे मैच करता है? ये प्रेजेंट डे ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ मानसून से मैच करता है, ना कि करंट इंडियन मानसून सिस्टम से. ठीक है. सो देयरफॉर साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट 25 मिलियन साल पहले इंडिया में ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट था. इंडिया इज द ओनली सब कॉन्टिनेंट, तो मैंने बताया ही है. दस वी हैव टू स्टडी फ्लोरा एंड फौना फॉर लॉट ऑफ हेल्थ. अच्छा, अगर हम पास्ट डायनेमिक्स ऑफ इंडियन मानसून की, इंडियन मानसून बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज पे डिपेंड करता है. सो देयरफॉर द पास्ट डायनेमिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून विल हेल्प अस इन क्लाइमेट मॉडलिंग फॉर फ्यूचर मॉनसून प्रेडिक्शन. तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो. जो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एक लाइक बटन जरूर दबा देना, एंड ब्रिंग दिस इनिशिएटिव टू एज मेनी नंबर ऑफ पीपल एज यू कैन. दे आर मेनी मोर आर्टिकल्स इन द चैनल, डेली MCQs आ रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप उन्हें जरूर रेफर करो, एंड इफ देर इज एनीथिंग डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई मोस्टली आई विल से दैट थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. थैंक यू.